हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और बताओ गाइस कैसे हो। यहाँ पे गाइस हम लोग खेलने वाले हैं रेसिडेंट एविल 5 हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में ऑफलाइन। और ये गेम कैसे चलाते हैं हम लोग अपने डिवाइस में ऑफलाइन, और वो भी गाइस सभी डिवाइस के लिए गाइस, ठीक है। हम लोग माइली का डिवाइस है, मीडियाटेक का डिवाइस है, लोग बोलते हैं उसमें नहीं चलेगा, उसमें भी हम लोग का ये वाला गेम हम लोग का अवेलेबल हो गया है। स्नैपड्रैगन का है, तो गाइस स्नैपड्रैगन में सबसे लो का जो डिवाइस है इसमें प्ले हो सकता है गाइस, वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा। जब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। पहले हम लोग एक गेम प्ले देखेंगे रेसिडेंट एविल 5 का, उसके बाद गाइस मैं तुम लोगों को टेलीग्राम, तो तुम लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा होगा गाइस, टेलीग्राम लिंक मेरे को ज्वाइन कर लेना। वहां पे गाइस एक एक चीज तुम लोग को समझ गए होगे। बाकी गाइस यहां पे आगे मैं तुम लोग को विन लेटर का सेटिंग बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप गाइस, जैसे मैंने किया है ना पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक मैं तुम लोगों को प्रोसीजर बता दूंगा। 10 मिनट में गाइस तुम लोगों का जो है ये गेम तुम लोग खेल पाओगे अपने कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में गाइस, ठीक है, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस में। चलो गाइस पहले मैं तुम लोगों को इसका मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। मैंने तुम लोगों को बता दिया मीडियाटेक के डिवाइस के लिए प्लेबल है, लेकिन गाइस मीडियाटेक के डिवाइस में किस किस डिवाइस में ये प्लेबल है, 3 से लेकर 5 लाख तुम लोगों का बेंचमार्क स्कोर होना चाहिए इस वाले गेम को चलाने के लिए मीडियाटेक के मतलब माली में एक्जिनो सैमसंग डिवाइसेस सब में, ठीक है गाइस। अगर तुम लोग को 3 से लेकर 5 लाख तक का अगर बेंचमार्क स्कोर है तो तुम लोग मीडियाटेक में चलाओ। बाकी स्नैपड्रैगन गाइस अगर तुम लोग को चाहिए, स्नैपड्रैगन के लिए अगर तुम लोग को इसको रन कर रहे हैं तो भाई स्नैपड्रैगन सबसे लो एंड डिवाइस जो तुम लोग इसमें रन कर पाओगे। वैसे तो गाइस तुम लोग इससे भी डाउन जा सकते हो, ठीक है, ये वाला गेम बढ़िया है, हम लोग का ऑप्टिमाइज मिल जाएगा। जैसे तुम लोग देख रहे हो भाई फ्रेम रेट्स तो हम लोग का 60 अबव फ्रेम रेट्स आएगा। बाकी गाइस यहाँ पे अगर तुम लोग को मिनिमम डिवाइस रिक्वायरमेंट मिले स्नैपड्रैगन के लिए तो 680 ले लो गाइस, 680 में हम लोग का 30 FPS लॉक्ड चल जाएगा इसलिए 30 FPS लॉक्ड। हाँ कभी कभार ऐसा सिनारी होता है जहाँ जहाँ सारे के सारे ज़ोंबीज़ एक साथ आते हैं, मोटर बाइकर्स आते हैं, वो वाले ज़ोंबीज़ आते हैं, तुम लोग का एक्सप्लोजन होता है, तो वहाँ पे तुम लोग का जो FPS है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन गाइस फिर भी तुम लोग का FPS वहाँ पे भी लो एंड डिवाइस में भी तुम लोग का प्लेबल रहेगा। 680 ले लें, 680 मिनिमम है। बाकी किस किस में हम लोग यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, 730 आ गया, 785 आ गया, स्नैपड्रैगन 730G आ गया, 790 ले लो, स्नैपड्रैगन 480 में गाइस प्ले कर सकते हो, 720 गाइस, ठीक है, 720 इससे ज़्यादा हाई है 695। बाकी गाइस मैं तुम लोगों को और लिस्ट बता देता हूँ, 765 ले लेना, 845 ले लो, स्नैपड्रैगन 732G ले लो। ये जैन वाले सीरीज़ में उतना मिलिटर वाले गेम सपोर्ट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि भाई लेटेस्ट हम लोग का टर्निप ड्राइवर आता है तो उससे तुम लोग ट्राई करते रहा करो। 4 Gen 1, 6 Gen 1 ये सब आ गया, वैसे नॉट रिकमांडेड है वो सब प्रोसेसर क्योंकि भाई अनोन है, ये आ गया गाइस। इसके बाद स्नैपड्रैगन 695 में तुम लोग यहाँ से गए तुम लोग का गेम स्मूथनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 695 तुम लोग बढ़िया चलेगा गाइस। इसके बाद आ गया हम लोग का स्नैपड्रैगन, गाइस प्लीज वीडियो को लाइक नहीं था भाई वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद आ गया स्नैपड्रैगन 855 को प्रोसेसर, 855 प्लस ले लेना, 800 का सीरीज़ का आ जाएगा, 780G आ गया, 778G आ गया गाइस, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। ये जो जैन वाले सीरीज़ है ना गाइस वो नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को बोलूँगा एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग अपने में। 782G है स्नैपड्रैगन, 865 आ गया स्नैपड्रैगन 865, उसके बाद स्नैपड्रैगन 888 आ गया, 888 प्लस आ गया गाइस, 8 Gen 1 आ गया, 8 Gen 2 आ गया, 8 Gen 3 आ गया। बाकी गाइस बीच में 8S Gen 3 आया था ना पोको F6 वाला, ये भी हम लोग का सपोर्टेड है गाइस यहाँ पे। बाकी गाइस देखो जितना डिवाइस में ये गेम प्ले हो रखा है ना मैंने तुम लोग का नाम बता दिया, ठीक है। बाकी जेन वाले सीरीज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन 8S Gen 3 स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 इसमें प्ले हो रखा है तो उसमें हम लोग को कोई टेंशन नहीं, उसमें 100% आ जाएगा ये वाला गेम। भाई गाइस मैं तुम लोग को इसका डिवाइस रिक्वायरमेंट बताया, लेकिन मैंने तुम लोग को रैम रिक्वायरमेंट नहीं बताया गाइस। मिनिमम रैम इस वाले गेम के लिए 4 to 6 GB, 4 GB रैम में गाइस चल जाएगा, 4 GB रैम में तुम लोग का ये वाला गेम चल रहा है, 4 GB रैम ले लोगे ये वाला गेम चल जाएगा, 6 GB रैम है तो ये वाला गेम स्मूथ चल जाएगा, ठीक है। 8 GB रैम है तो भाई हाई एंड डिवाइस हो गया फिर तो तुम लोग। भाई गाइस देखो यहाँ हम लोग का जो गेम प्ले अभी हम लोग को ये आ गया गाइस, ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हम लोग को जो ज़ोंबीज़ है ना गाइस, ज़ोंबीज़ बहुत सारे आएंगे यहाँ पे, और हम लोग का जो गेम है भाई गेम गाइस एक नंबर का है, हम लोग का गेम बढ़िया चलेगा, विन लेटर है। यहाँ पे मैं तुम लोग को इनपुट सेटिंग भी बता दूंगा वीडियो के अभी थोड़ा सा आगे, मैं तुम लोग को पहले गेम प्ले दिखा देता हूँ। Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. Just hope he gets here quick. Oh.
इसी के साथ गाइस जो मेरा टीममेट है, ये देखो टीममेट बॉट ही मर गया, बॉट टीममेट मर गया हम लोग का, और इसके साथ हम लोग का गेम है ये ओवर हो गया। और हम लोग अब गाइस मैं तुम लोग को सेटिंग बता देता हूँ, ये आ गया गाइस देखो एंड सीन आ गया, ये हम लोग का गेम का एंड सीन। और योर पार्टनर डेड, भाई पहली बार में पार्टनर इसमें मरा है, भाई पहली बार पार्टनर मरा है वो, क्योंकि गाइस देखो मोबाइल टच स्क्रीन खेलता ना ना दादा, वो टच स्क्रीन में उतना ज़्यादा कंट्रोलर वैसे सपोर्टेड है गाइस, ठीक है भाई। गाइस देखो विनलेटर ये वाला इंस्टॉल कर लेना, विनलेटर नेटिव वर्जन है। बाकी गाइस देखो बॉक्स 64 का जो हम लोग का वर्जन है ना, ये अपडेटेड है। तुम लोगों को अपडेट वर्जन कैसे करना है गाइस, ठीक है, अपडेट वर्जन तुम लोगों को टेलीग्राम, उसका भी आंसर है टेलीग्राम गाइस, ठीक है। ये देखो बॉक्स 64 में क्लिक करके इंस्टॉल कंटेंट कर लेना, तुम लोग को बॉक्स 64 लेटेस्ट वाला इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो बॉक्स 64 हम लोग का है, तो ये हम लोग को टेलीग्राम से ये हम लोग ले सकते हैं। बाकी गाइस देखो इतना दोबारा सेटिंग में आ गए हम लोग, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद सेलेक्ट भी करना, बॉक्स 64 प्रेजेंट्स में आ जाओ गाइस, बॉक्स 64 प्रेजेंट्स में गाइस ध्यान दे देना। यहाँ पे गाइस देखो सेफ लैग्स 0 होना चाहिए, फास्ट नेट ऑन है, फास्ट राउंड ऑन है हम लोग का, डबल ई वाला एक्स ऑफ है, बिग ब्लॉक हम लोग का 3 है, स्ट्रॉन्ग मैम 0 है, फॉरवर्ड ये वाला डैनर एक फॉरवर्ड 512 है, इसके बाद ये हम लोग का ऑन ऑन। और पूरा एक एक चीज़ तुम लोग देख के ऐसे कर लेना, कर्सर स्पीड फुल रख लेना भाई, कर्सर स्पीड फुल रखोगे तो ज़्यादा गेम में हम लोग का बढ़िया सेंसिटिविटी बैठेगा, ठीक है। बाकी गाइस देखो इसके बाद कंटेनर ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद ये देखो कंटेनर का वैसे ये देखो जो रिजोल्यूशन है ना गाइस, तुम लोग को कस्टम करके 800x450 कर लेना। बाकी ऊपर जो है हम लोग का ये इसको सेटिंग करके रेसिडेंट एविल लिख दो, देखो रेसिडेंट एविल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, रेसिडेंट एविल 5। देखो गाइस यहाँ पे हम लोगों को विद 800x450 लिख लेना कस्टम करके। बाकी ग्राफिक ड्राइवर ये हम लोगों ने ड्राइवर लेटेस्ट यहाँ पे प्ले किया, मतलब लेटेस्ट यहाँ पे डाला है, वो भी टेलीग्राम में गाइस। DXV के रैपर आ गया 2.4 लगा लेना, बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग को मिल जाएगा 2.4 में गाइस, ठीक है। और ये सेटिंग जो है गाइस स्नैपड्रैगन 680 वाला सेटिंग है, ठीक है, स्नैपड्रैगन 680 वाला सेटिंग है, मतलब ऑल हाई एंड अगर तुम लोग के पास डिवाइस है ना, बहुत ज़्यादा FPS आएगा, जैसे तुम लोग वीडियो में देख रहे हो इससे भी ज़्यादा FPS आ सकता है, क्योंकि मैं तो वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी गाइस देखो ये तुम लोग को डार्क कर लेना है इसको, अगर तुम लोग को चाहिए तो ये सारे के सारे, अभी ये उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं है, ठीक है, ये नेसेसरी उतना ज़्यादा, ये सब सेटिंग कर लेना गाइस। बाकी गाइस देखो अभी हम लोग आएगा एनवायरनमेंट्स में, ये भी उतना कुछ खास नहीं है, ऑप्शनल है गाइस, ठीक है, इसको ऐड कर लेना यहाँ पे, FPS मीटर है गाइस DXVK हुड करके, और DXVK का जो वैल्यू है हम लोग को सेलेक्ट कर लेना FPS में, ओके कर लेना। ओके करने के बाद एक बार कभी कभाली कट जाता है, उसमें ध्यान नहीं देंगे, दोबारा आ जाएंगे एनवायरनमेंट्स वेरिएबल्स में, तो वहाँ पे हम लोग को बन रखा ऑलरेडी। अभी आएंगे गाइस एडवांस में, एडवांस में आएंगे गाइस, अभी हम लोग को प्रेजेंट वन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, प्रेजेंट वन सेलेक्ट करने के बाद अभी ये सेम एज इट इज़ अग्रेसिव कर लेना। अभी गाइस देखो यहाँ पे आ गए हम लोग गेम पे आ गए गाइस, ये देखो मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ, हम लोग को चाहिए गाइस ये देखो, ठीक है, हम लोग को डॉक्यूमेंट में एक जो ये चीज़ है ना गाइस, ये देखो ये हम लोग को ये यहाँ पे डाल देना, वरना हम लोग का जो गेम है वो क्रैश मारेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग को ये वाला फाइल हम लोग को ऐसे डाल देना है, हमने डाल दिया डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला फाइल कॉपी करके। अभी गाइस देखो ये गेम, ठीक है गाइस, गेम में मैंने क्लिक किया, अभी यहाँ पे जितने भी D3D वाले 4 फाइल्स हैं ना गाइस, वो हम लोग को डिलीट मारने हैं, क्योंकि भाई उससे ना हम लोग का जो गेम है ना वो ज़्यादा टेक्सचर देता है हाई एंड PC वाले, तो उस टेक्सचर वाले को हम लोग थोड़ा सा लो कर देंगे, उसको डिलीट ही मार देंगे चारों, इसको भी डिलीट मारो। तो ये हम लोग को करना ज़रूरी है, चारों के चारों हम लोग फाइल्स जो हैं जो मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ डिलीट मारने, हम लोग ऐसे मार देंगे इसको डिलीट, देखो ये मैंने मार दिया इस फाइल को डिलीट, ठीक है। अभी आ जाना लॉन्चर में, यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट हम लोग कर देंगे, शॉर्टकट करने के बाद गाइस देखो यहाँ पे हम लोग को सेटिंग में आ जाना है। अभी यहाँ पे देखो गाइस इसको वही सब सेम टू सेम बॉक्स 64 प्रेजेंट लगा देना, और ये GTA 5 वाला सेलेक्ट कर लेना प्रोफाइल, बढ़िया है यहाँ पे रेसिडेंट एविल के लिए GTA 5 का सेटिंग। इसको कैसे करेंगे, बोल कंट्रोल इंपोर्ट्स में आ जाना, यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर्स में आ जाएंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे ये ICP आ गया GTA 5 वाला, ठीक है गाइस, इसको हम लोग ऐसे कलेक्ट करके इसको शॉर्टकट में आएंगे और उसको सेलेक्ट कर देंगे। ये देखो गाइस आ गया एडवांस में, कंट्रोलर हमने सेलेक्ट कर दिया, GTA 5 में तुम लोग को बता दिया कंट्रोलर कैसे लेंगे, ये देखो ओके कर देना और इसके बाद गाइस तुम लोग को रन कर देना है, ठीक है, ये आ गया गाइस हम लोग को सब चीज़ है डन, और इसको रन कर दो, ठीक है।